بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء رقيبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده متفق عليه. एक औरत के अंदर बतौर बीवी के कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए और एक शख्स जब अपने निकाह के लिए किसी रिश्ते की तलाश में है तो उसके पेशे नज़र क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस मौजू पर हदीसें चल रही थीं। गुज़श्ता दर्स में हमने उन अहादीस पर बात की थी जिन में मर्द के लिए औरत के इंतखाब की बात थी, यानी यह बताया गया था कि औरत के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। उस सिलसिले में एक हदीस रह गई थी, वो आज हम देखेंगे। उसके बाद हम मौजू के दूसरे पहलू की तरफ आएंगे कि एक लड़की या एक औरत के लिए अगर किसी रिश्ते का इंतखाब किया जा रहा है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि खैरु निसाइन रकिबनल इबिला, कि जो औरतें ऊंटों पर सवार होती हैं उनमें से सबसे खैर, सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा नाफियत वाली औरतें कौन सी हैं। ऊंटों की सवारी करने वाली औरतों में से सबसे अच्छी कौन सी है। हम जानते हैं कि अरबों की सबसे अहम सवारी जो वहां के सहराई इलाकों के भी लायक थी वो ऊंट थी। ऊंट हर तरह के मौसम को बर्दाश्त कर लेता है, वो एक ही मर्तबा पानी पीकर काफ़ी अरसा बगैर पानी पिए गुजार लेता है और बहुत सारी खूबियाँ उसके अंदर हैं जहाँ अरबों जैसे इलाकों में ऊंट से बेहतर कोई और सवारी नहीं होती थी। तो ऊंटों पर सवार होने वाले लोग जब ये कहें तो इससे मुराद अरब होते हैं, और हदीस में जब ये कहा गया कि ऊंटों पर सवार होने वाली औरतें तो मुराद है अरब की औरतें, तो मतलब यह हुआ कि अरब की औरतों में से सबसे बेहतर कौन सी है। अरब की औरतों में से अपने अंदर खैर का ज्यादा पहलू रखने वाली औरतें कौन सी हैं। तो आपने फरमाया कि सालिहु निसाई कुरैश, कि अरब की औरतों में से सबसे बेहतर कुरैश की औरतें हैं। लेकिन कुरैश की हर औरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात नहीं फरमाई बल्कि सालिह की कैद लगा दी है कि कुरैश की नेक औरतें, कुरैश की सालिह औरतें जो हैं वो अरब की औरतों में सबसे बेहतर हैं, सबसे बढ़िया हैं,
सबसे बढ़कर है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लम ने इसकी वजह भी बयान फरमा दी, ताकि कुरैश के से बाहर या अरबों से बाहर अगर हम देखना चाहें और इस हदीस पर अमल करना चाहें तो कैसे करें। फरमाया कि कुरैश की जो साले औरतें हैं इनमें दो खूबियां बहुत बढ़िया और आला हैं। एक तो फरमाया कि अहनाहु अला वलदिन फी सिगरी, बच्चा जब अपने बचपन में होता है तो कुरैश की ये औरतें, हर माँ अपने बच्चे पर मेहरबान होती है लेकिन कुरैश की ये औरतें अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। हना यहनू के माना होता है किसी पर झुकना, अपने बच्चों की तरफ झुकाव रखती हैं ये बहुत ज्यादा बचपन के अंदर। बच्चा जब ज़रा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वालिदैन का लाड़ प्यार फिर भी बाकी रहता है लेकिन जाहिर है कि तरबियत के पहलू से कभी कोई दूसरा अंदाज भी इख्तियार करना पड़ जाता है। तो बच्चों को संभालना, बच्चों की परवरिश करना, शौक से बच्चों की परवरिश करना, एक ममता के जज्बे के साथ बच्चे की परवरिश करना, एक खुश्क ड्यूटी समझ करनी, ये हमारे दौर का एक अलमिया बनता जा रहा है। हमारे मुल्क में कम है लेकिन और जगहों पर निस्बतन ज्यादा हो रहा है, वो ये कि औरत मां बनने से इनकारी है। यूरोप में आपको ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, यूरोप में आपको कई जोड़े ऐसे मिल जाएंगे जो वैसे तो इकट्ठा रहना चाहते हैं लेकिन बाकायदा शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते और वो बाकायदा औलाद हासिल नहीं करना चाहते, वो दूसरे ज़राए से ऐसी रुकावटें पैदा करते हैं कि जिनसी ताल्लुकात तो हों लेकिन बच्चों का बोझ न उठाना पड़े। वहाँ के मर्द भी बच्चों से इनकारी हैं, औरतें भी बच्चों से इनकारी हैं। हमारे यहाँ औरत बच्चे संभाल तो लेती है बाज़ुकात लेकिन उसे एक दबाव और एक बोझ समझती। इसी सूरत हाल का नतीजा यह है कि अब दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जापान में, यूरोप के मुतअद्दिद मुल्कों में इस तरह के मुताले सामने आ रहे हैं, इस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं कि आने वाले वक्तों में उन्हें आबादी की किल्लत के बोहरान का सामना करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में आबादी, कहा जाता है कि आबादी की बढ़ोतरी, आबादी का बढ़ना ये एक मसला है और ये हमारे लिए बोहरानी कैफियत पैदा कर सकता है, वहाँ ये मसला इसके बरक्स है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक वजह यह भी है कि शादी से गुरेज करते हैं वो लोग, बाकायदा नस्ल हासिल करने से गुरेज करते हैं और उसके बगैर ही वो ये चाहते हैं कि हम अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर लें, और दूसरे खास तौर पर मां बनने से गुरेज। और उसकी वजह भी हो सकती है कि मां बनना कोई आसान काम नहीं है। कुरान ने खास तौर पर इसका जिक्र किया। देखें, बाप जो होता है उसकी मेहनत एक दिन की नहीं होती, बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके बाले होने तक, बल्कि बाले होने के बाद भी अपने पांव पर खड़ा होने तक वो उसकी जिम्मेदारियां उठाता है। एक तसलसल है जिम्मेदारी का और यकीनन बहुत बड़ा बोझ है, और इतना बड़ा बोझ है कि एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो किसी और तरीके से मुआफ़ नहीं होते,
अहलो अयाल की जो फिक्र आदमी को सताती है, मेरे बच्चे जरा बड़े हो रहे हैं तो स्कूल जाएंगे तो खर्चे कहां से पूरे होंगे, स्कूल में छोड़कर मैं कैसे आया करूंगा, पता नहीं कैसी पढ़ाई होगी उनकी, जब और बड़े हो गए तो और तरह के मसाइल, और बड़े हो गए तो अब इनके रिश्ते कहाँ से मिलेंगे, शादियाँ कहाँ से होंगी, इनकी शादियों के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, और आगे बढ़े तो इनके निभा कैसे होंगे, बच्ची अपने घर में कैसे टिकेगी, बहू जो है वो कैसे टिकेगी हमारे घर में आकर, ये मसाइल। और ज़ाहिर है कि इन सब मसाइल का सामना सबसे ज़्यादा मर्द को करना पड़ता है, बहुत बड़ा बोझ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ गुना ऐसे हैं जो किसी और तरीके से माफ़ नहीं होते, लेकिन हम्मुल अयाल की वजह से, अहलो अयाल की जो फिक्र आदमी पर सवार होती है, ये इतनी तकलीफ दे फिक्र होती है, ये इतनी बोझिल फिक्र होती है कि जो गुना किसी और तरीके से माफ़ नहीं हो पाते वो इससे धुल जाते हैं, इससे साफ हो जाते हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि बाप जो जिम्मेदारी अदा कर रहा है वो कितनी बड़ी है। लेकिन इसके बावजूद कुरान ने इस मशक्कत का, इस बोझ का इस तरीके से सराहतन जिक्र नहीं किया। औरत कुछ अरसा मशक्कत उठाती है, उसके हमल के वक्त, वजह हमल के वक्त, वलादत के वक्त और वलादत के बाद कुछ अरसे तक, लेकिन कुरान ने इस मशक्कत का बड़े एहतमाम से जिक्र किया है। हमलत हो उम्म हो कुरहा व वजात हो कुरहा व हमल हो व फिसाल हो सलासो नशारा। इसी तरीके से, इसी से मिलती जुलती बात, यह सूरतुल अहकाफ की आयत है, इसी से मिलती जुलती बात अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में कही है। तो इससे पता चलता है कि मां बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, हमारी सोसाइटी में बड़ा मुश्किल काम है। मां बनने में एक तो बच्चा संभालने की तकलीफ, रात को कब उठ जाए, कब रोने लग जाए, कब उसे दूध पिलाना पड़ जाए, कब क्या करना पड़ जाए, कब क्या करना पड़ जाए, और उसके साथ साथ फिर वलादत के नतीजे में जो इंसान, जो औरत के जिस्म में कमजोरियां पैदा होती, किसी की कमर में मुस्तकिल दर्द शुरू हो गया, किसी को कोई और मुस्तकिल मसला पैदा हो गया, इसी तरह दूध पिलाने की मुद्दत में औरत को जिन कमजोरियों से गुजरना पड़ता है, वह नन जिसको कुरान ने कहा है, तो ये भी बर्दाश्त करती है। फिर बाज़ात उसे और बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बच्चों के हवाले से कभी किसी के ताने सुनने पड़ते हैं, उसकी शक्ल सूरत में कोई मसला है तो उसे सुनना पड़ता है, और ये औरत का नक्स है, बच्चा अगर खूबसूरत है, चांद जैसा है, तो ये बाप का कमाल है, और अगर उसमें कोई नक्स है तो हर कोई जो है वो औरत के हवाले से देखेगा, ये रहता ना कि फिरना, तो इस तरह की चीज़ें भी सुननी पड़ती हैं। वो कह कहते फीडर ने जो कहे थे क्यों रखे, ये सास की तरफ से बार बार सुनना पड़ता है। तो यकीनन माँ बनना एक मुश्किल काम है, लेकिन इसका अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है, एक औरत के लिए यह सबसे बड़ी खिदमत है। तो खैर बात दूसरी तरफ निकल गई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि माँ बनने से के तरक्की याफ्ता मुआशरों में और आने वाले वक्तों में उनके यहाँ आबादी का तनासुब इतना कम होने जा रहा है कि उसके नतीजे में उनके हाँ बूढ़े ज़्यादा होंगे, अब भी ऐसा ही है उनके यहाँ, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ मज़ीद होगा मसला, ये उनके लिए मसला बनेगा, और वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं इस पर कि हम इस मसले को कैसे हल करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की एक खूबी ये है कि वो बच्चों को शौक से संभालती है, अहनाहु अला वलदिन फी सिगरी, ये औरत की खूबी है। हम इसको औरत का ना कमाल समझते हैं ना उसकी खूबी समझते हैं, औरत पीएचडी करके आई है, बहू हमारी पीएचडी करके आई है, वहाँ भी वहाँ क्या कमाल कर दिया,
हमारी बहू बिरयानी बड़ी खूबसूरत बनाती है, वहाँ भी वाह क्या कमाल कर दिया। हमारी बहू कमरा बहुत शानदार सजाती है, वहाँ भी वाह क्या कमाल कर दिया। हमारी बहू कमाती बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी वाह क्या कमाल कर दिया। लेकिन हमने औरत को इस चीज़ का कभी क्रेडिट दिया ही नहीं है कि वो बच्चे को शौक से संभाल रही है, वो बच्चे को प्यार से संभाल रही है। बड़ा कारनामा है ये, उसकी बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन है ये, उसका हमारे ऊपर एक एहसान है। इस चीज को हमने कभी समझा नहीं और उसके एहसान का कभी एतराफ नहीं किया। जाहिर है कि अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो हमारे मुआशरे में भी वही चीज आ जाएगी, औरत मां बनने से गुरेज करेगी। तो ये औरत की बहुत बड़ी खूबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बात ये चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों की औरतों में सबसे बढ़िया औरतें, सबसे ज्यादा खैर वाली औरतें कुरैश की नेक औरतें हैं, इसलिए कि उनमें दो खूबियां बड़ी आला पाई जाती हैं। पहली ये अहनाहु अला वलदिन फी सिगरी, कि बचपन में वो बच्चों पर बहुत मेहरबान होती हैं। बात खवातीन की आदत होती है बात बात पर बच्चों की पिटाई शुरू कर देती हैं, ये अच्छा नहीं है। अगरचे औरत ने हर वक्त बच्चों के साथ रहना है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर मैं उसकी जगह पर होऊंगा तो मैं भी यही करूंगा, लेकिन फिर भी बहरहाल इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। दूसरी खूबी जिसकी वजह से आपने फरमाया कि कुरैश की औरतें सबसे बढ़कर हैं, वो फरमाया कि अरआहु अला ज़ौजिन फी ज़ाती यदी, के खावन की मिल्कियत की जो चीजें हैं उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करती हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। बर्तन हैं खामंद के, हमारे यहाँ तो बर्तन खामंद के होते ही नहीं हैं, और घर की चीज़ें भी खामंद की होती नहीं हैं। वो तो बेचारी औरत ही लेकर आई होती है, फ्रिज भी औरत की है, बर्तन भी उसी के हैं, लेकिन बहरहाल खामंद की भी होती हैं। खामंद की जो चीज़ें हैं, खामंद का जो सामान है, खामंद को एक अजनबी के नुक्ता नजर से ना देखे। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी में खामंद को खसम कहा जाता है, ये बहुत नामुनासिब तबीर है, क्योंकि खसम के असल माना होते हैं कि किसी मुकदमे में जो मेरे मद्दे मुकाबिल फरीक खड़ा है, मसलन मैं मुद्दा मुद्दई हूं तो मेरा मुद्दा आला है, मेरा खसम है, और अगर मैं मुद्दा आला हूं तो मेरे खिलाफ जो इसने दावा किया हुआ है वो मेरा खसम है। तो ये खसम नहीं होते, ये अपनाइयत का जज्बा होता है। जिस तरह अपनी चीजों के साथ अपनाइयत का जज्बा है, मेरा जूता खराब ना हो जाए, मेरे कपड़े खराब ना हो जाए, मेरे मेकअप का सामान खराब ना हो जाए, यही अंदाज खावंद की चीजों के बारे में हो, खावंद के घर की चीजों के बारे में हो, कि उसका फर्नीचर कहीं खराब ना हो जाए, उसके बर्तन जल्दी खराब ना हो, उसकी कोई और चीज जल्दी खराब ना हो, उसके माल को, उसकी चीजों को अपनी चीजें समझें। दूसरे लफ्जों में ये समझें कि घर संभालने का शौक और घर संभालने की सलाहियत उनमें ज्यादा होती है। तो गया दो बातें यहां हो गई। पहली बात ये कि कुरैश की ये जो नेक हैं, ये बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करती हैं, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी करती हैं, शौक से करती हैं, और दूसरे खावंद के घर को अच्छे तरीके से संभालती हैं, अपनी चीज की तरह खावंद के घर को संभालती हैं। अच्छा, ये जितनी बातें बयान की गई हैं इस बाब की हदीसों में, जितनी आई थी वो हमने जिक्र की, इसके अलावा और भी हदीस हैं कि औरत में ये खूबियां देखनी चाहिए, कि माल दौलत के एतबार से अगरचे इतनी
अहम चीज़ नहीं है, लेकिन देखने वाले देखते हैं, हसब नसब के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से खूबसूरती देखी जाती है, और सबसे अहम जो चीज़ है वो है उसकी दीनदारी, और उसकी दीनदारी में सबसे अहम चीज़ उसके अखलाक हैं, उसका जज्बा इताअत है, अपने खामन की इताअत का जज्बा है, खामन को खुश करना खुश अखलाकी है उसकी, और खामन की खैरखाही है कि उसकी अदम मौजूदगी में उसकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया ना करे, पाकदामनी है, अर्ज़ा बिल यसीर, थोड़ी चीज़ों पर थोड़े पर भी राज़ी हो जाना, कनात का वसफ है, वगैरह वगैरह। ये कुछ चीज़ें हमने पिछले सबक में शुमार कराई थी। इन हदीसों से ये निकलता है कि जब आप अपने लिए कोई बीवी ढूंढने निकलें, कोई बहू ढूंढने निकलें, तो इनको मद्देनज़र रखें, या इनमें से कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? दो बातें यहाँ काबिले वजाहत हैं। एक तो ये कि इनका ये मतलब नहीं है कि इन तमाम औसाफ में आप आला दर्जा जो है वो ढूंढने की कोशिश करें और छोटी छोटी बातों पर लोगों की बच्चियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दें, मुस्तरद करना शुरू कर दें। हमारे माशरे में ये भी बात खत होता है, लड़कों वाले लड़कियों के साथ इस हवाले से बहुत नामुनासिब अंदाज इख्तियार करते हैं। अव्वल तो जो मालूमात आप इधर उधर से ले सकते हैं वो पहले अपने तौर पर लें, क्योंकि अगले से बात चलाकर दरमियान में मुनक़ते करना, इसमें अगले की तोहीन होती है। और दूसरे, जब आप देखने जा रहे हैं तो देखने जाने का मरहला बिल्कुल आखिरी होना चाहिए, यानी जब बाकी हवालों से आप मुकम्मल इत्मीनान कर चुके हैं तो उसके बाद देखने जाएं, ताकि इनकार करने के इम्कानात बहुत कम हों। आप देखने गए, देखकर आकर कहा कि जी इसका दादा तो ऐसा है, इसकी नानी ऐसी है, इसकी माँ ऐसी है, ये जिस इलाके में ये रहते हैं, ये गांव में रहते हैं, हमने नहीं गांव में करनी भाई, वो ये पहले पता किया जा सकता था तो वहाँ गए क्यों तुम? तो पहले बाकी मालूमात कर लो, फिर देखने जाओ। देखने के बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिसकी वजह से तुम्हें इनकार करना पड़े, तो मुनासिब अंदाज से इनकार करो। इंसान समझ नहीं सकता, बच्चियों के वालदैन पर तो जो गुजरती होगी गुजरती होगी, खुद उस बच्ची पर क्या गुजरती होगी जब उसे ये पता चलता होगा कि मुझे देखने आए थे लेकिन उन्होंने मुझे मुस्तरद कर दिया। ये बहुत ही बुरी बात है। तो पहली बात तो ये है कि ये औसाफ होने देखने चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप कोई राविया बसरिया ढूंढने निकल जाए, नहीं, उससे पहले अपने आप को भी देख लेना चाहिए। मसला यह कि हुस्न जमाल भी एक हद तक मतलूब है, लेकिन उससे पहले आदमी को अगर आईना दस्तयाब हो, आईना ना मिले तो अब मोबाइल के अंदर भी अपनी शक्ल देखी जा सकती है, तो अपने आप को पहले देख ले, अपनी सेल्फी शरीफ देख ले कभी। तो एक तो ये पहलू है कि मतलब यह है कि इन चीज़ों को कंसीडर करो। ये मतलब नहीं है कि इनमें से हर एक के अंदर आप 100-100 नंबर लेने वाली ढूंढने निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप में कमियां हैं, कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, इसी तरीके से उस तरफ भी होंगी। बहसियत मजमूई देखो और इनमें इन चीज़ों को ज़्यादा मत, मसलन ज़्यादा पैसे देखने की बजाय उसके अखलाक ज़्यादा देखो। उसका बहुत बड़ा घराना देखने की बजाय आप उसकी तालीम देख लो, आप उसकी शक्ल और सूरत को ज़्यादा अहमियत दे दो। तो ये मतलब है। दूसरा ये कि बात दरहकीकत यहाँ रिश्तों के इंतखाब की नहीं है, बल्कि बच्चियों की तरबियत की है और औरतों की खुद अपने आप की तरबियत की है। यानी ये
इन हदीसों का मुखातब सिर्फ मर्द नहीं है कि तुम अपने लिए औरत का इंतखाब करो तो इन इन बुनियादों पर करो, बल्कि इनका मुखातब औरत भी है और बच्चियों के वालिदैन भी हैं। औरत को चाहिए, गैर शादीशुदा है तब भी, शादीशुदा है तब भी, वो इन मेयारात पर अपने आप को चेक करती रहे और अपनी इसलाह की फिक्र करती रहे। हमारे यहाँ इसलाह सिर्फ यही होती है कि ज़्यादा तिलावत करने की आदत पड़ जाए, ज़्यादा तस्बीहात पढ़ने की आदत पड़ जाए, अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा वक्त लग जाए, यकीनन ये चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन ये चीज़ें भी इसमें दाखिल हैं। वो देखती रहे कि घर बार संभालने की सलाहियत मेरे अंदर कितनी है, इसका शौक़ मेरे अंदर कितना है, बच्चों के हवाले से मेरे जज्बात कैसे हैं। जो और मेरे अखलाक कैसे हैं, मेरे बोलने का अंदाज कैसा है। ये सिर्फ शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी मुसलसल, जैसे मर्द को हो आखिरी लम्हे तक अपनी इसलाह की फिक्र में लगे रहना चाहिए, इसी तरीके से औरत को भी आखिरी दम तक अपनी इसलाह की फिक्र में रहना चाहिए। अज़वाजे मुतहरात से बढ़कर तो कोई बीवी, अल्लाह के नबी को जो अल्लाह ने बीवियाँ दी हैं, आप उनसे बढ़कर आप किसको कहेंगे। लेकिन कुरान ने आखिर वक्त तक अज़वाज मुतहरात की इसलाह के लिए भी आयतें उतारी हैं। अगर वो मुस्तस्ना नहीं है इसलाह से, तो और कौन कह सकती है कि मैं मुस्तस्ना हूं। इन हदीसों का एक अमली पहलू ये भी है कि हर खातून को चाहिए, यानी दूसरों को, हदीसें दूसरों को चेक करने के लिए नहीं होती है कि मर्द जो है वो औरतों को चेक करने के लिए हदीसें इस्तेमाल करें, वो सिर्फ बवक्त ज़रूरत होगा। हदीसें जितनी भी होती हैं वो अपने आप को चेक करने के लिए होती हैं कि मैं इस मेयार पर कितना पूरा उतर रहा हूँ या कितनी पूरी उतर रही हूँ। ये तो वो हदीसें थीं जो इस हवाले से थीं कि अगर एक मर्द अपने लिए किसी औरत का इंतखाब कर रहा है, अपने लिए बीवी या अपने बहू का इंतखाब कर रहा है, तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखें। अब आइए इसी मामले का दूसरा पहलू, उस पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी डाली है, सहाबाए किराम से बाज बातें मरवी हैं और फुकहा ने मजीद उनकी वजाहत की है। चुनाचे इसमें हदीसें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मिश्कात में चूंकि इस मौजू पर एक ही हदीस है, लिहाजा वो हदीस पढ़कर हम उस पर थोड़ा सा कुछ इजाफा करेंगे, कुछ मजीद बातें उसके बारे में अर्ज करेंगे। ये अल-फ़स्लुस्सानी यानी मिश्कात का किताबु निका, उसका पहला बाब और पहले बाब की अल-फ़स्लुस्सानी, इसकी दूसरी हदीस है। अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض رواه الترمذي। حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا इज़ा खतब इलैकुम, खतब अरबी जबान में कहते हैं किसी अहम मामले को, अहमियत वाला मामला। लफ्जी माना बनेंगे इज़ा खतब इलैकुम, जब तुम्हारे पास कोई बहुत अहम मामला लेकर आए। और यहां अहम मामले से मुराद है रिश्ते की बात लेकर आए, और मुखातब है यहां वो शख्स जिसने किसी लड़की या किसी औरत के निकाह का, उसके रिश्ते का फैसला करना है।
ये मसला आगे आएगा कि किसी भी औरत के निकाह के लिए उसकी अपनी रजामंदी भी जरूरी है, और ये मसला भी आएगा कि वो खुद अपना निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती, वो एक अलग बहस है। लेकिन अरब मुआशरत में होता यही था और हमारे यहाँ भी आम रिवायत यही है, और हत्तल इम्कान इसी पर अमल होना चाहिए कि शादी की रिश्ते की बात वालिदैन से की जाए या सरपरस्त से की जाए। तो इदा खतब इलैकुम, तुम्हारी सरपरस्ती में तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारी छोटी बहन है, जिसका फैसला करने का इख्तियार तुम्हारे पास है, तुम उसके वली हो, तुम उसके सरपरस्त हो। इसलिए कोई लोग तुम्हारे पास आए, कोई घराना तुम्हारे पास आया, कोई साहब तुम्हारे पास आए रिश्ते की दरख्वास्त लेकर, रिश्ता लेकर आए कि हम चाहते हैं कि आपकी बेटी को अपनी बेटी बना लें, हमारे बच्चे के साथ यानी उसका निकाह हो जाए। तो अब क्या करना है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरगौना दीनहु व खुलुका, जो तुम्हारे पास इस तरह का पैगाम लेकर आया है, इस तरह की पेशकश लेकर आया है, दो चीजें देख लो, दो चीजों के बारे में उस पर मुतमैन हो या नहीं हो। एक चीज है उसका दीन, वो दीन में कैसा है। जिस तरह एक मर्द के लिए औरत का इंतखाब हो रहा था तो वहां भी कहा गया था फजफर बिजाती दीन, कि दीन वाली औरत तलाश करो। इसी तरीके से यहां लड़की या औरत के लिए कहा जा रहा है कि दीन वाला लड़का तलाश करो, और तलाश किए बगैर खुद आ जाए तो खासतौर पर दीन हो, उसका दीन चेक करो। दीन चेक करने से नौज़ बिल्लाह ये मुराद नहीं है कि उसके मख्फी हालात जानने की कोशिश करो, यानी बहसियत मजमू अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो उनका रहन सहन कैसा है, उनके घर में दीनदारी कैसी है। क्या अल्लाह और रसूल को, नऊज़ बिल्लाह, आजकल तो बात बात ऐसा भी होता है कि अल्लाह और रसूल को मानते ही नहीं होते, अल्लाह और रसूल को मानते हैं, ज़रूरी ज़रूरी नमाज रोज़ा है, अल्लाह और रसूल का नाम घर में है, कोई वास्ता ताल्लुक अल्लाह और रसूल से है, इस तरह की चीज़ें पहली चीज़ तो। दूसरी चीज फरमाया कि मन तरज़ौना दीनहु व खुलुका, उसके अखलाक देखो कि उसके अंदर निभा की सलाहियत कैसी है, उसका बर्ताव कैसा है, वो बात कैसे करता है, अगले की गलती को बर्दाश्त करने की सलाहियत कितनी है, उसका गुस्सा किस लेवल का है, गुस्से के अंदर उसकी कैफियत क्या होती है, उसके अखलाक भी देख। दो चीजें फरमाई, दीन हो व खुलुका, दीन और अखलाक। यहां सवाल यह उठाया गया है कि अखलाक तो खुद दीन में दाखिल है, अखलाक ये दीन का एक अहम शोबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا, کہ ایمان مکمل ہوتا ہی تب ہے جب کہ اخلاق میں برتاؤ میں خوبصورتی پیدا ہو جائے, جتنی برتاؤ میں خوبصورتی پیدا ہوتی جائے گی اتنا ہی ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا, یہ راست تناسب ہے, جتنا وہ بڑھے گا اسی تناسب سے وہ بھی بڑھے گا। तो अखलाक तो ईमान का, दीन का, तक्वे का जुज़्वे लाजिम है,
तो जब दीनहू कहा तो जिस तरह उसमें नमाज आ गई, दीनहू कहा जिस तरह उसमें हज आ गया, दीनहू कहा उसमें कुर्बानी आ गई, दीनहू कहा तो उसमें और चीज़ें आ गईं, तो जब दीनहू कहा तो उसमें अखलाक भी आ गए, फिर अलग से अखलाक जिक्र करने की क्या ज़रूरत। तो अलग से अखलाक जिक्र किए हैं, ये तख़सीस बाद तामीम है अहमियत को वाज़े करने के लिए। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि उसमें दाखिल तो थे, लेकिन अगर यूं ही बात रखी जाती दी न हूं तो तब भी इस हदीस का तकाजा यह था कि हम अखलाक भी चेक करें, लेकिन अखलाक वाली बात ज़िमनन समझ में आती, जबकि यहां अखलाक की बात ज़िमनन नहीं है, बल्कि दीन के शोबों में सबसे ज्यादा अहमियत के साथ जो देखने की चीज़ है वो अखलाक है। लिहाजा अपने बनने वाले दामाद में बेशक ये देखो कि वो अल्लाह के रास्ते में कितना वक्त लगाता है, बेशक ये देखो कि वो नमाज कितनी पढ़ता है, बेशक ये देखो कि उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, देख ठीक है सारी चीजें, लेकिन सिर्फ इसी पर न रहना। असल जो चीज है देखने की वो उसके अखलाक है, उसमें निभा की सलाहियत कितनी है, वो दूसरे की बात को बर्दाश्त कितना कर सकता है, वो दूसरे के साथ चलने की सलाहियत कितनी रखता है, ये चीज देखना ये ज्यादा अहम है। और याद रखें, अगर तो ये होता कि औरत अपने रिश्ते खुद कर रही होती, हमारे यहाँ लड़कियाँ अपने रिश्ते खुद कर रही होती, फिर तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ ये सब कुछ वालिदैन ने तय करना होता है, इसलिए वालिदैन पर इस हवाले से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। सिर्फ जान छुड़ाने का अंदाज या सिर्फ अपने रिश्तेदारों को खुश रखने का अंदाज कि जी मेरी एक ही बहन है, उसने रिश्ता मांगा है, अगर इनकार कर दूंगा या इनकार कर दूंगी तो काम खराब हो जाएगा, ये कैसे मैं उसको नाराज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इस तरह की और चीज़ें जो हम देखते हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि ये निकाह जो है ये गुलामी है। फलयंजुर अहदुकुम अयना यज़ऊ अतीकतहू, जब तक लड़की अपने मेके में है तो वो एक आजाद औरत है, और दूसरे घर जाकर किसी न किसी दर्जे में वो गुलामी के में जकड़ी जाएगी, किसी जगह जाकर कम किसी जगह जाकर ज्यादा। तो अपनी बच्ची को गुलामी में तो जकड़ना ही, उसे कौन सी जेल में भेज रहे हो? अच्छी वाली जेल में भेजो, अच्छी जगह भेजो, सोच समझ कर फैसले। तो फरमाया कि दीन हूँ, दीन भी देखो, लेकिन दीन में सबसे अहम शोबा जो देखना है वो उसके अखलाक को देखना है। अगर जाहिरी दीनदारी में कुछ कमी है, मसलन दाढ़ी नहीं है उसकी, लेकिन नमाज रोजे का ख्याल रखता है, अखलाक अच्छे हैं, निभा अच्छा है, तो वो बतौर खामंद के रिश्ते के इंतखाब के सिलसिले में वो बेहतर है उस लड़के से जिसकी दाढ़ी भी पूरी है, उसकी शलवार भी टखनों से ऊपर है, और जाहिरी तौर पर वो मुतदय्यन नजर आता है, लेकिन जब भी किसी से बात करता है तो उल्टी, जैसे पंजाबी में कहते हैं उल्टी कुहाड़ी की तरह, कुल्हाड़ी की तरह पढ़ना, वो इस तरीके से पढ़ता है, तो ये इसके मुकाबले में वो पहले वाला जो है वो दिखने में जो कम दीनदार नजर आता था वो बेहतर है। अखलाक की अहमियत यहां पर ज्यादा है। तो फरमाया कि मन इजा खताब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक, जिसके दीन और अखलाक पर तुम राजी और मुतमैन हो। यहां एक चीज और काबिले तवज्जो है कि ये नहीं फरमाया कि जिसके दीन और अखलाक आला दर्जे के हो,
हम राबिया बसरिया के मेयार की कोई औरत लेने निकल जाएं या हसन बसरी के मेयार का कोई मर्द ढूंढने निकल जाएं, क्योंकि हदीस में हमने पढ़ा कि दीनदार होना चाहिए, वो जुनैद बगदादी का छोटे बच्चे की तरह तो होने चाहिए कम अज कम, नहीं तर्ज होना तुम्हारा इत्मीनान, यानी तुम्हारे माहौल के एतबार से वो मुनासिब हो। सहाबा के ज़माने में जिस तरह की दीनदारी मतलूब थी, ज़ाहिर है कि ताबईन के ज़माने में उससे कम दर्जे की थी, उसके बाद के दौर में उससे कम दर्जे की होगी। आज हमने, आज अगर किसी की दीनदारी को देखना है तो आज ही के माहौल के एतबार से देखना है। इसके लिए हम कुरून उला के मेजार पर जाकर लोगों को परखना शुरू कर दें तो इसका मतलब यह है कि फिर ये रिश्ता विश्ता कभी भी नहीं होगा। तो इज़ा ख़ताब इलैकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़ा, कि तुम्हारे पास निकाह की पेशकश, निकाह की दरख्वास्त लेकर कोई ऐसे लोग आए, कोई ऐसा रिश्ता आया जिसके दीन और अखलाक पर तुम्हें इत्मीनान है, तो अब क्या करना है? फरमाया कि फज़व्विजू, अपनी उस बच्ची का निकाह उससे करा दो, मामला तय कर लो, रिश्ता कबूल कर लो। यानी रिश्ता कबूल करने में दीन और अखलाक को ज्यादा अहमियत दो। इल्ला तफालू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अज़ीम, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बड़ा फितना और लंबा चौड़ा फसाद होगा। फितने से क्या मुराद? ये अगर नहीं करोगे का क्या मतलब? दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि अगर नहीं करोगे यानी ताखीर करोगे, अच्छा रिश्ता, मुनासिब रिश्ता, मौजू रिश्ता आ गया फिर भी लटकाए जा रहे हो तो ये मुनासिब नहीं है। शादियां मुनासिब उम्र में हो जानी चाहिए, खासतौर पर अगर रिश्ते मुनासिब मिल जाए तो, उसके बाद ज्यादा ताखीर करना मुनासिब नहीं है। और दूसरा ये कि अगर ऐसा नहीं करोगे यानी दीन और अखलाक को नहीं देखोगे, सिर्फ दूसरी चीज़ों को देखोगे कि पैसा कितना है, बिजनेस कितना है, फला चीज़ कितनी है, फला चीज़ कितनी है, तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि अब तुमने एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ शादी नहीं की बल्कि एक इंसान की पैसे के साथ शादी कर रहे हो, एक इंसान की बिजनेस के साथ शादी कर रहे हो। इंसान की इंसान से शादी करोगे मोहब्बतें पैदा होंगी, और इंसान की कारोबार से शादी करोगे, इंसान की दौलत से शादी करोगे तो इंसान और दौलत में उस तरह का प्यार नहीं होता, वहां खुद गलतियां आ जाती हैं। तो बहरहाल यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों को अहमियत दी है, एक अखलाक दीन और दूसरे अखलाक। इसका यह मतलब नहीं है, जैसे कि हमने पहले मामले में भी देखा था, फरमाया था फल बिजाती दीन, दीन वाली औरत हासिल करो, ये मतलब नहीं था कि दीन के अलावा कोई और चीज़ देखना गुना है, जायज़ नहीं है। नहीं, खूबसूरती भी देखनी होगी, माली हैसियत भी देख लो, कोई हल की बात नहीं है, ख़ानदान भी देख लो, कोई हल की बात नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं और बाज़त देखनी चाहिए, लेकिन अहम चीज़ दीन है। इसी तरह यहाँ पर भी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दीन और अखलाक को देखना है, बल्कि मतलब यह है कि सबसे अहम चीज़ तो दीन और अखलाक हैं, इनको तो कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा और चीज़ें भी होनी चाहिए। और इसमें तकरीबन वही है, ख़ासतौर पर फुकहाए शाफिया ने इस तरह की हदीसों के ज़ैल में यही लिखा है कि एक मर्द जब औरत को ढूंढने निकलता है तो उसके सामने जो मेयारात होते हैं, एक औरत के लिए जब मर्द ढूंढने निकले तो वहां पर भी वही मेयारात होंगे, क्योंकि मर्द और औरत के अंदर असल मुसावात है। जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि इस्लाम का मिजाज जरा यह है कि औरत मर्द को ढूंढ रही है तो क्या करे, इस ताबीर को ज्यादा अहमियत देना मुनासिब नहीं समझा, और मर्द औरत को ढूंढ रहा है इस ताबीर में इतनी ज़्यादा कबाहत नहीं समझी गई, ये मुहावरे की बात है।
वरना दोनों साइडों से मामला बराबर है। ऐसा नहीं है कि मर्द को तो कहा कि उसको 10-15 मेयारों पर इतनी इन इन चीज़ों पर, यानी वहाँ चेक लिस्ट जो है वो बड़ी है, औरत को चेक करना है तो ज़्यादा चीज़ें चेक करनी हैं, और औरत ने अगर मर्द को चेक करना है तो थोड़ी चीज़ें चेक करनी है, ऐसा नहीं है। फुकहा शाफिया ने लिखा है कि यो तबर फी ही मा यो तबर फी हा, औरत के इंतखाब में जिन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा, मर्द के इंतखाब में भी औरत उन चीजों को मद्देनजर रख सकती है। वो भी उसी तरह से जैसे नखरे मर्द को आते हैं, ये जी इसकी आंखें छोटी हैं, इधर नख फीना, तो वो भी कह सकती है कि इसका रंग काला है, इसमें फलां चीज है, इसमें फलां चीज है। लेकिन ज़ाहिर है किसी की मैब में निकालना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह की आदत थी, खाना आपके सामने रखा जाता, पसंद होता तो शौक से खा लेते, वगैरह खामोश रहते, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। खैर, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि दीन और अखलाक के अलावा जिस तरह वहाँ और चीज़ें भी देखी जा सकती थी, यहाँ भी और चीज़ें, मसलन खूबसूरती। ये खूबसूरती सिर्फ मर्द का हक नहीं है कि वो ये चाहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, ये औरत का भी हक है। कुरान करीम की ये जो आयत है वलहुन्न मिस्लु लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ, इसके तहत मुफस्सिरीन ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशाद नकल किया है कि उहिब तुहिब्बु अन अतज़य्यन लहा कमा उहिब्बु अन, कि जिस तरह मैं ये चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरी खातिर संवर कर रहे, खूबसूरत बनकर रहे, इसी तरह वो भी मेरे बारे में यही चाहती है, जिस तरह उसे मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, मुझे भी उसकी ये ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। यही वजह है, ये मसला आगे अगर हम वहां तक पहुंचे तो अर्ज करेंगे कि बाल सफेद हो गए, खासतौर पर कब्ज़ वक्त सफ़ेद हो गए, हम चाहते हैं कि उनको काला कर लें, काला खिजाब लगा लें। अगर धोखा देने के लिए लगाते हैं किसी को तो जायज़ नहीं है बिलइत्तेफाक, लेकिन अगर सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाते हैं तो क्या हुक्म है? तो इमाम अबू यूसुफ वगैरह ने उसकी इजाज़त दी है, और उन्होंने भी उसकी वजह यही बयान की है कि जिस तरह मैं ये चाहता हूँ कि मेरी औरत मुझे खूबसूरत नज़र आए, और इस हवाले से मैं उसे कोई मुतालबा डिमांड भी कर सकता हूँ कि ये जी पलकें ज़रा बारीक कर लो, ज़रा बालों को ज़रा संवार लिया करो, वगैरह वगैरह। इसी तरह से मेरी बीवी को भी मेरी खूबसूरती के हवाले से मुझसे डिमांड करने का हक हासिल है। चुनाचे यहाँ पर भी आ जाइए, जिस तरह मर्द औरत के बारे में तय करते हुए, रिश्ता तय करते हुए औरत के हुस्न व जमाल को देख सकता है, इसी तरह औरत के बारे में भी। और यहां चूंकि औरत ने खुद फैसला नहीं करना होता, उसकी चाबी उसके वली के हाथ में है, उसके सरपरस्त के हाथ में है, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ला तुज़व्विजु बनातिकुम मिनद दमी फ़इन्नहु युजिबन मिन्हु मा युजिबुहुम मिन्हुन्ना, अपनी बेटियों की शादी ऐसे ही किसी बदसूरत से ना कर दिया करो, इसलिए कि हुस्न व जमाल का ज़ौक जिस तरह मर्द के अंदर होता है, औरत के अंदर भी होता है। को बसूरत बहू ला दोगे तो उसे अच्छी नहीं लगेगी, तो इसी तरीके से अपनी बेटी को बदसूरत दामाद ला दोगे वो भी उसे, जिस तरह अपने बेटे पर इस तरह की बहू लाना ये उस पर ज्यादती होगी, इसी तरीके से अपनी बेटी के साथ करना इस तरह ये भी ज्यादती होगी। और उसमें सबसे अच्छी बात यही, आगे चलकर जहां ये मसला आएगा वहां करेंगे कि अपने बेटे अपनी बेटी की पसंद नापसंद को सबसे ज्यादा अहमियत दें, उसको मद्देनजर रखें, उसको नज़रअंदाज नहीं करें। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो उसके नतीजे में होगा कि उस औरत के दिल में, तुम्हारी बीवी के दिल में, तुम्हारी बहू के दिल में नफरत होगी,
और वो अल्लाह और रसूल के हुक्मों को इस बारे में पूरा नहीं कर सकते। जब दिल ही नहीं मिल रहा है तो बात क्या बनेगी। इसी तरीके से इसी से ये भी पता चला कि जिस तरह लड़के के लिए उसकी पसंद को मद्देनजर रखना चाहिए, लड़की के लिए भी उसकी पसंद को मद्देनजर रखना चाहिए। जिस तरह से लड़की या औरत के बारे में कहा गया कि उसमें औलाद की सलाहियत हो, क्योंकि निकाह के मकासिद में से एक है बांझ ना हो, इसी तरीके से लड़की के लिए भी या लड़की का के लिए कोई लड़का ढूंढते हुए भी ये चीज मद्देनजर रखी जा सकती है या इसको मद्देनजर रखना चाहिए। इसलिए कि औलाद की ख्वाहिश जिस तरह मर्द में होती है इसी तरह औरत में होती है, और औलाद न होने का सबब यानी बांझपन कभी औरत में होता है और कभी वो मर्द में होता है, वगैरह वगैरह इस तरह की जितनी भी चीजें। तो ये खुलासा हुआ उन बातों का जिनको रिश्तों के इंतखाब में मद्देनजर रखना चाहिए। जिस तरह हम औरत के मामले में कहा कि इन हदीसों का मुखातब सिर्फ मर्द नहीं है कि मर्द औरत को इस तरह से मुंतखब करें, बल्कि इसकी मुखातब औरतें भी हैं कि औरत इन मेयारात पर अपने आप को परखती रहे और अपनी इसलाह करने की कोशिश करती रहे, इसी तरीके से औरत को मर्द को भी चाहिए कि वो इन मेयारात को सामने रखकर अपनी इसलाह की फिक्र में रहे कि मेरा दीन कैसा है, मेरा अखलाक कैसा है, मेरा बर्ताव और मेरा रवैया कैसा है, मेरा गुस्सा कैसा है। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं एक खामन में होनी चाहिए, उनके हवाले से अपने आप को हमेशा, ये शादी से पहले की ही बातें नहीं है, शादी के बाद की भी हैं, हमेशा अपने आप को वो भी परखती रहे और ये भी परखता रहे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।